नमस्कार, मैं तन्वी सिन्हा आज एक खास खबर को लेकर आप लोगों के बीच में आई हूँ। हमारे समाज में दिनों दिन शर्मसार करने वाली घटनाएं बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में अपने ही अस्तित्व पर बार बार मन सवाल करने लगता है। हमारा समाज जहाँ माता पूजनीय है, बहन लाडली है, लेकिन दूसरे घर की बेटी बहू की पुरुषों के द्वारा इज्जत नहीं हो पाती है। कभी कोई प्यार के नाम पर लड़कियों को छलता है तो कभी कोई अपनी हवस का उन्हें शिकार बनाता है। मौजूदा घटना जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो मुजफ्फरपुर की है। खबर है तेतरिया की एक लड़की की, जिसे नरसंडा के युवक जिसका नाम है निशांत ने शादी का झांसा दिया और इस नाम पर वो उसके साथ सालों से शारीरिक संबंध बना रहा था। लेकिन बार बार लड़की शादी की बात कर रही थी, इसलिए पिछले दिन वो उससे मिलने गया और वहां पर उसके साथ वो जबरदस्ती करने लगा और उसके साथ कहे तो बलात्कार किया। इसके बाद उसने फिर से शादी का झांसा देकर उसे अय्यापुर लेकर गया और वहां ले जाने के बाद उसे एक सुनसान ऐसी जगह पर छोड़ गया, जिसके बाद वो लड़की वहां अकेली पड़ गई और वो वहां से परेशान स्थिति में घबराई हुई कैसे भी पुलिस को ढूंढते हुए पुलिस थाने पहुंची। और यहां पहुंचकर उस युवती ने अपनी पूरी जानकारी दी पुलिस को कि उसके साथ क्या हुआ। साथ ही इस रिपोर्ट में उसने यह भी बताया कि लड़के ने उसके साथ जबरदस्ती करने के बाद सिगरेट से उसे जगह जगह जला भी दिया। अब आप सोच सकते हैं किस तरह की संकुचित और कुंठित मानसिकता होगी उस लड़के की, जो इतने सालों से लड़की के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था, उसे शादी और प्यार का झांसा दे रहा था और उसके बाद आज वो उसे एक अनजान जगह छोड़ गया और उसके साथ चोट के साथ वो छोड़ के गया। फिलहाल जब लड़की ने FIR दर्ज कराई तो अब पुलिस हरकत में आ गई है, पूरी मामले की छानबीन कर रही है। लड़की को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया गया है और जगह जगह छापेमारी कर लड़के को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। एक पीड़ित लड़की थाने पर आई है जो बताई है कि वो तेतरिया घेघवा तेतरिया के में अपने मामा के घर में रहती थी और वहाँ पर जो है नरसंडा का रहने वाला एक युवक जो है उनके साथ जो शादी का प्रलोभन दे करके कई वर्षों से अवैध संबंध स्थापित किए हुए था। कल की घटना है कि वो लड़का नरसंडा से फिर उसके मामा के घर पर जाए रहती थी, वहाँ गई गया और वहाँ फिर जो है बाला फटा कर लेकर आवास के बाहर भी उससे अवैध संबंध स्थापित किया। उसके इनकार करने पर उसको सिगरेट से जलाने की बात इन्होंने बताया है। फिर उसको लड़की को उठा करके नरसंडा में लाया और वहाँ भी जो है सुनसान स्थान पर ले जा करके अवैध संबंध स्थापित किया और आज इसको अय्यापुर थाना क्षेत्र में कहीं लाकर छोड़ दिया। लड़की पूछताछ करते हुए थाना पर आई है, जो अपना लिखित शिकायत दर्ज करा रही है और यहाँ से 0 FIR करके संबंधित थाना को भेजा जाएगा। ऐसी घटनाओं के बारे में आपको बताते हुए मुझे तो बहुत दुख होता है, क्योंकि बार बार यह प्रश्न मेरे ही मन में आता है, क्या भारत में नारी होना एक गुनाह है? कभी एसिड अटैक होता है, कभी शारीरिक शोषण होता है, तो कभी हमारे कपड़ों के लिए हमें लड़के फब्तियां कसते हैं और उसके बाद हमें कई बार मानसिक रूप से परेशान भी किया जाता है। ऐसे समाज में जहां हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं और हमें सुरक्षा ही नहीं मिल पा रही है, यह प्रश्न उठता है कि क्या हम इस देश में सुरक्षित हैं? जब तक हम सुरक्षित नहीं हैं तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, हम पढ़ने कैसे जाएंगे, हम अपने जिंदगी में आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? बार बार यह प्रश्न उठता है और यह प्रश्न ही रह जाता है क्योंकि इसका उत्तर अभी तक हमें नहीं मिल पाया है। हर दिन लड़की और लड़की के परिवार वाले इस डर और भय में जीते हैं कि दिन हो शाम हो या रात, कब उनकी घर की लड़की के साथ कुछ ऐसा हो जाए जिसका घाव वह जिंदगी भर अपने मन में लेकर घूमती रहे। और इस तरह की चीजों के लिए कोई उम्र वर्ग की सीमा नहीं होती है। जिनकी सोच ऐसी होती है वो कब क्या क्यों नहीं सोचते हैं, वो बच्ची हो युवती हो या बूढ़ी हो, किसी के साथ भी वो बदसलूकी कर सकते हैं। और मेरा प्रश्न वही फिर से आता है कि कब हमारा समाज इन सब चीजों से ऊपर उठ पाएगा। और ऐसे में दोहरी जिम्मेदारी बनती है, सरकार को महिला सुरक्षा के बारे में सोचने की जरूरत है और जो कानून बने हैं इसके खिलाफ, ताकि उन्हें सुरक्षित रखा जा सके,
उसको सख्त बनाना चाहिए। और न केवल सरकार को इतनी सारी चीजें करने की जरूरत है, हर वह पुरुष, हर वह व्यक्ति, न केवल पुरुष, महिला भी अगर ऐसी परिस्थिति में किसी लड़की को, किसी युवती को, किसी महिला को देखे तो उसकी अवश्य मदद करे और अपनी सोच को भी पुरुष बदले। साथ ही जब सरकार ने अपना काम कर लिया, अगर लड़कियों की मानसिकता भी बदल जाती है लेकिन फिर भी अपनी सुरक्षा के लिए महिलाओं को आत्म सुरक्षा से संबंधित ज्ञान लेना बहुत जरूरी है, जिसे हम सेल्फ डिफेंस कहते हैं। अगर आप अपने आप को इन सब तरह की ट्रेनिंग से इक्विप कर देते हैं तो किसी भी तरह की परेशानी हो, शायद वह आपके साथ बदसलूकी नहीं, चोरी का मामला हो या कोई भी घटना हो, आप अपने आप को खुद बचा पाएंगे, आप आत्मनिर्भर बन पाएंगे और अपने अपने स्वाभिमान, अपनी अस्मिता की आप खुद रक्षा कर पाएंगे। तो जिम्मेदारी सबकी बनती है, सबको इन सब चीजों को साथ में लेकर आगे बढ़ना है और हमारे समाज को इन सब कुरीतियों से बाहर निकालना है, हमारे देश को बहुत आगे बढ़ना है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें हमारे देश को विकसित होना है, अभी अभी विकासशील है हमारा देश, लेकिन अगर हम अपनी समाज की कुरीतियों में ही अभी भी बंधे रहेंगे, हमारे देश में कास्ट सिस्टम है, मैरिज सिस्टम में प्रॉब्लम है, डोमेस्टिक वायलेंस है, जातिवाद है, इन सब चीजों में ही अभी तक हम उलझे पड़े हुए हैं। महिला की सुरक्षा तो रोज का प्रश्न बन जाता है, क्योंकि रोज सुबह से लेकर शाम तक, मैं खुद एक महिला हूं तो मुझे पता है कि किस तरह की परिस्थितियों से हमें गुजरना पड़ता है। कभी कोई अपनी आंखों से ही हमें शर्मसार कर जाता है, तो कभी कोई बोल के, तो कभी किसी की हरकत हमें बुरी लग जाती है, लेकिन हमारा समाज अभी तक इन सब चीजों से उभर नहीं पाया है। तो मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से सभी दर्शकों से यह अनुरोध करूंगी कि कृपया आप एक छोटे से अपने कदम के जरिए इसमें बदलाव लाने की कोशिश करें, समाज को बेहतर बनाने की कोशिश करें। केवल बड़े बड़े बातों से कुछ नहीं होगा। आज मैं अगर सिर्फ यह कहती हूं कि आपको आत्मनिर्भर बनना है, आपको ये करना है, लेकिन मैंने खुद सेल्फ डिफेंस सीखा है और मैं अपने आप को आज ज्यादा स्ट्रांग फील करती हूं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर कोई मुझे परेशानी होती है तो मैं अपने आप को खुद बचा सकती हूं। तो मैं अपना एक एग्जाम्पल लेते हुए सभी महिलाओं से, सभी पुरुषों से और समाज के सभी लोगों से अनुरोध करूंगी कि कृपया हमारे साथ मिलकर समाज में परिवर्तन लाने में योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद।